व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक होगी क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं जो अभी फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है कि T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो फ्रेंड्स इंडिया की टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी T20 वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से मैं आपको टीम बताऊंगा कि T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी। अगर टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ जाएगी तो डेफिनेटली वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फ्रेंड्स इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज आती रहती हैं, तो चलिए फ्रेंड्स टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स ओपनिंग पर मैंने रखा है रोहित सुपर हिटमैन शर्मा को। रोहित शर्मा के बिना तो हम T20 वर्ल्ड कप में जाने का सोच ही नहीं सकते। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स कमाल लाजवाब राहुल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर शिखर धवन का भी ऑप्शन था लेकिन फ्रेंड्स मैं जाऊंगा कमाल लाजवाब राहुल के साथ क्योंकि जबरदस्त ये पावर हिटिंग करते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग कर सकते हैं, IPL में अच्छा खेलते हैं, T20 स्पेशलिस्ट हैं। नंबर तीन की बात करूँ तो फ्रेंड्स किंग कोहली, विराट कोहली वहां पर रहेंगे, ये इस टीम के कैप्टन भी होंगे। नंबर चार पर फ्रेंड्स यहां पर मैं गया फ्रेंड्स सूर्य कुमार यादव के साथ। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर मेरे पास सुरेश अय्यर का ऑप्शन था लेकिन फ्रेंड्स मिस्टर 360 इंडिया के 360 बने हुए हैं सूर्य कुमार यादव, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अभी टेस्ट कॉल भी उनको आ गई है, वो टेस्ट मैचेस के लिए भी अवेलेबल हैं इंग्लैंड में, तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, इसीलिए नंबर चार पर मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव बेस्ट रहेंगे। नंबर पांच पर फ्रेंड्स मैंने रखा है ऋषभ ताबड़तोड़ पंत को जो कि इस टीम के विकेट कीपर होंगे। नंबर छह पर फ्रेंड्स हार्दिक कुंफू पांड्या वहां पर रहेंगे जो कि इस टीम में फ्रेंड्स एज अ ऑलराउंडर खेलेंगे, मैं चाहता हूं कि 2-3 ओवर ये बॉलिंग के जरूर करें। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं नंबर सात की बात करूँ तो नंबर सात पर मैंने रखा है सर रविंद्र जडेजा को जो कि इस टीम में फ्रेंड्स एज अ स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर खेलेंगे, फील्डर तो ये जबरदस्त हैं ही। नंबर आठ पर फ्रेंड्स द किंग ऑफ स्विंग भुवनेश्वर कुमार को मैंने रखा है, भुवनेश्वर कुमार काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं तो डेफिनेटली आई विल गो विद हिम। नंबर 9 पर फ्रेंड्स सेंसेशनल शामी, नंबर 10 पर फ्रेंड्स इस टीम के जो मेन स्पिनर होंगे यूजी चहल, और फ्रेंड्स नंबर 11 पर बूम बूम जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड्स इंडिया की ये जो प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेइंग 11 है। इसमें अगर कुछ चेंज हो सकता है तो KL राहुल धवन के बीच में हो सकता है, स्काई और श्रेयस अय्यर के बीच में हो सकता है, और फ्रेंड्स दीपक चाहर, मोहम्मद शामी या फिर भुवनेश्वर कुमार की जगह पर आ सकते हैं, राहुल चाहर, यूजी चाहर इनमें से एक खेल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स मैंने इन सभी में से निकाल के एक बेस्ट प्लेइंग 11 आपको बताई। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स के 2021 वर्ल्ड कप के लिए ये जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है ये बेस्ट है या नहीं, अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ना मत भूलना। और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।